सिरौली गोसपुर क्षेत्र के बदोसराय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। सपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सरफी लाल यादव की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के स्वागत में तैयारी तकरीबन 2 महीने से चल रही थी। सभी लोगों को 16 जनवरी का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से था। जैसे 16 जनवरी का दिन आया, अखिलेश यादव के समर्थक इतनी भीषण सर्दी की परवाह न करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचना शुरू हो गए। अखिलेश यादव की सभा में पहुंचने के लिए समर्थक हर गांव से पैदल तो कोई साइकिल तो कोई फोर व्हीलर से आना शुरू हो गया। जनसभा में देखते ही देखते कई हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया। अखिलेश यादव जैसे ही बदोसराय में आए, सबसे पहले स्वर्गीय अशरफी लाल यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए जैसे ही मंच पर आए, समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने भारी संख्या में जनसभा को देखकर कहा, मैं पहली बार बदोसराय में आया हूं। यहां की जनता को देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मैं बयां नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर खूब निशाना साधा। वहीं बसपा पार्टी पर टिप्पणी की, महंगाई बेरोजगारी के बारे में बीजेपी पर भड़ास निकाली। उसके बाद जनता से मुखातिब होकर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दें। भारी जीत दिलाकर अपनी आवाज बने। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सपा विधायक फरीद महफूज किदवई, रामगोपाल रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद, पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेणु वर्मा इस कार्यक्रम में संयोजक रहे। जिला पंचायत सदस्य विजय कुमार यादव के साथ कई समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी हर्षोल्लास देखने को मिला। टीवी इंडिया 18 के लिए मंडल ब्यूरो हसान रजा के साथ बबलू की रिपोर्ट। किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी में आती विरोधी है। अखिलेश जी, आपके हिसाब से जनता के साथ जनता और पीडीए क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, वो इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें,
पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तैयारी किस तरह कुछ ही समय में सबके नेता आदि अखिलेश यादव यहाँ पहुँच रहे हैं। पूर्व विधायक सत्यलाल जी की पुण्यतिथि है, उसको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। श्रद्धांजलि के बाद एक बड़ी सभा को भी हमारे नेता संबोधित करेंगे, उसी का तैयारी चल रही है।